तो चलिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का गार्वी किस्त अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आया, तो कब तक आएगा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इस न्यूज़पेपर की तरफ। यहाँ पर देखो, आज तक का ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पर साफ साफ जो लिखा गया वो पढ़ के सुना देते हैं, साथ में इसके बारे में और भी अधिक जानकारी आपको देने वाले है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पढ़ के सुना देते हैं। किसानों के खाते में मई तक आएगी, तो ये तो मई ही चल रहा है और मई खत्म होने वाला है, तो आगे क्या लिखा है वो सुन के जाइएगा। हालांकि कई नियमों के बदलाव और लाखों किसानों द्वारा ईक्यूएसई की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह अभी तक इस किस्त को किसानों के खाते में भेजा नहीं जा सकता। अब इसका मतलब क्या होता है, पीएम किसान के ऑफिशियल साइट में आओगे तो यहाँ पर ईक्यूएसई का ऑप्शन लगाया गया है, तो आपने ईक्यूएसई भी किया होगा, कभी ना कभी सीएससी सेंटर में जाके अंगूठा लगा के ईक्यूएसई करवाया होगा। तो ये ईक्यूएसई अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए पैसा जो है अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं भेजा गया है। अभी यहाँ पर और आगे ये लिखता है, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई तक किसी भी दिन किसानों के बैंक अकाउंट में गार्वी किस्त के पैसे ट्रांसफर किया जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, यहाँ पर ये बता के रखा है कि 31 मई के बाद या फिर 31 मई में आपके अकाउंट में जो है गार्वी किस्त आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कई लोगों को बहुत दिन से नहीं मिला, तो उसका क्या होगा, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नीचे ये भी लिखा है, दरअसल पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा निपटने के लिए सरकार ने ईक्यूएसई की प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर आपने अभी तक ईक्यूएसई नहीं किए हो ना, पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट में आके यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके, अगर लिंक नहीं है तो किसी भी सीएससी सेंटर में जाके ईक्यूएसई कर सकते हो बायोमेट्रिक के थ्रू अंगूठा लगा के। तो यहाँ पर ये बता के रखा है कि 31 मई तक किसानों को ईक्यूएसई कर लेना होगा। अगर 31 मई के बाद कोई किसान छूट जाता है तो वो गार्वी किस्त से वंचित रह जाएंगे, मतलब गार्वी किस्त आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि गार्वी किस्त कब तक मिलने वाला है, और अगर गार्वी किस्त आपको नहीं मिलेगा तो किस लिए नहीं मिलेगा, मतलब ईक्यूएसई अगर आप नहीं करते हो तो आपको गार्वी किस्त भी नहीं मिलने वाला है। अब चलिए, बहुत लोगों का क्या हुआ है, मतलब 10वां किस्त नहीं मिला है, 9वां किस्त नहीं मिला, तो उन लोगों को क्यों नहीं मिला वो बता देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, अभी हम स्टेटस चेक करेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस में जाएंगे और पटापट आपको चेक करके दिखा देते हैं कि इसका कब से नहीं आया है। यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे, गेट डाटा में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देखोगे ये ऑप्शन आ गया, किस किस डेट में किस किस बैंक किस बैंक अकाउंट में आपको पैसा भेजा गया है, वो सभी डिटेल्स है। लेकिन यहाँ पर देखो, 9वां किस्त मतलब 9वां इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है इसको, 10वां भी नहीं मिला है, अब 11वां आने वाला है। तो इसको क्यों नहीं मिला, ये सब इसने ईक्यूएसई नहीं किया था, ठीक है ना, मतलब अगर कर भी दिया है तो सबका कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसका पैसा जो है फंसा हुआ है। जब भी ये ईक्यूएसई कर लेगा, जब सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा पैसा, तो आपका सभी सेटलमेंट जो सभी पैसा ड्यू बाकी जो भी पैसा है सब एक ही बार में आ जाएगा, मतलब आपको 31 मई के बाद ही पैसा मिलने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का गार्वी किस्त कब तक मिलने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो, वर्क फिनिश।